ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उसी के इलाज के लिए वो साओ पोलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम के जरिए दी। हालांकि डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती पेले की हालत में सुधार का दावा किया था, लेकिन कैंसर की वजह से उनके लिवर और किडनी के बुरी तरह डैमेज होने की भी खबर थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उनकी खास देखभाल की नसीहत परिवार को दी थी। ब्राजील को फुटबॉल विश्व कप जिताने वाले पेले को दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में एक माना जाता है। यही वजह है कि पेले के निधन से न सिर्फ ब्राजील बल्कि दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की आंखें नम हो गई। ब्राजील में तो पेले के निधन की खबर सुनते ही मातम छा गया और वहां की सरकार ने पेले के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। वहीं पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने पेले की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें करोड़ों लोगों का हीरो बताया। उनके अलावा अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने भी पेले की एक तस्वीर ट्वीट की और उन्हें अलविदा कहा। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इमरान खान के एक करीबी जनरल ने वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जासूसी करवाई। कहा गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ जनरल फैज ने इमरान खान तक कई अहम जानकारियां पहुंचाई, जिसके लिए उन्होंने अपने करीबी सैन्य अधिकारी मेजर अरसलान की मदद ली। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक मेजर अरसलान ने जनरल फैज के कहने पर ही शहबाज शरीफ की जासूसी की, जिसके लिए वो अपने खुफिया फोन का इस्तेमाल करते थे और शहबाज शरीफ की बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर उसे जनरल फैज को भेज देते थे। कहा जा रहा है कि इसके बाद जनरल फैज उन ऑडियो क्लिप को इमरान खान तक भेज देते थे और इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब इमरान खान को भेजी गई ऑडियो क्लिप में एक क्लिप लीक हो गई, जिसके बाद ISI ने जब इसकी जांच करवाई तब मेजर अरसलान की हकीकत सबके सामने आ गई। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने बाद में मेजर अरसलान को हिरासत में ले लिया और जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई तब इस साजिश का पता चल गया। बताया गया कि इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर के कई कर्मचारी भी फंसे हैं। हालांकि खबर है कि जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने के बाद उन्हें पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बचा लिया था। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जीवन ज्योति मेडिकल कॉलेज के सामने कई छात्रों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने 99% छात्रों को परीक्षा में फेल कर दिया, जिससे गुस्साए छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और उस मेडिकल कॉलेज के सामने बैठकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक न सुनी और हंगामा करते रहे। इस बीच पुलिस के जवानों की कुछ छात्रों के साथ झड़प भी हुई। 40 बच्चों का बैच होता है, उसमें से 5 बच्चे पास हुए और बाकी के सारे बच्चे फेल हैं। इसके साथ ही छात्रों ने कॉलेज में पढ़ाई का भी मुद्दा उठाया और साथ ही आरोप लगाया कि उनके कॉलेज में पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के लगाए आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने धमकी दे दी कि जब तक उन्हें पास नहीं किया जाएगा वो प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि बाद में पुलिस के कई बार समझाने पर प्रदर्शनकारी शांत हो गए। छात्र संतुष्ट हैं, अब ये कह रहे हैं ठीक है आप हमारी फीस जमा कर दीजिए, हम जमा कर देंगे। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने फेल हुए छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा दिया।